सांची में कांग्रेस पर गर्जे जयराम ठाकुर, कहा हम कभी भी व्यक्तिगत विषयों पर जाना नहीं चाहते, कांग्रेस ने प्रदेश में कर दिया सब कुछ बंद। विक्रमादित्य सिंह और सीएम सुक्खू पर बरसी कंगना रनौत, कहा विक्रमादित्य सिंह अपने नाम पर लड़े चुनाव, सीएम सुक्खू सत्ता के घमंड में चकनाचूर। कंगना के बयानों पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार, कहा हिमाचल में नहीं होते शहजादे, राज परिवारों के सबसे ज्यादा लोग बीजेपी का हिस्सा। कुटलीहेड में अनुराग ठाकुर ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के समर्थन में मांगे वोट, कहा छठे चरण के मतदान में लगाएंगे छक्का। सतपाल रायजादा का चुनाव प्रचार तेज, कांग्रेस के पक्ष में की वोट करने की अपील, कहा राम के नाम पर जनता का वोट लेना चाहती है बीजेपी। चौबीस मई को हिमाचल दौरे पर पीएम मोदी, राजीव बिंदल ने रैली की तैयारियों का लिया जायजा, चारों सीटों पर किया जीत का दावा। चैतन्य शर्मा ने चलाया डोर टू डोर अभियान, कहा मोदी सरकार ने की हर गारंटी पूरी, कांग्रेस की हर गारंटी झूठ का पुलिंदा। विक्रमादित्य सिंह पर बरसे राकेश जम्वाल, कहा विक्रमादित्य को कंगना से हार का डर, मंडी के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का कोई विजन नहीं। मेनका नेगी का कजाकिस्तान में कमाल, बॉक्सिंग में मेनिका ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। रंग लाए ऊना, जिला प्रशासन के प्रयास, जलग्रांड टब्बा वासियों ने खत्म किया धरना प्रदर्शन, वापस ली चुनावों के बहिष्कार की बात, कहा बढ़ चढ़ कर करेंगे मतदान।